हे hey फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग तो बहुत फ्रेंड लोग कमेंट कर रहे थे सर कंपलसरी पेपर लाओ तो अभी मुझे एक और पेपर मिला है स्टैटिस्टिक्स का ठीक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो डिस्कस करते हैं इसको भी तो यहाँ पे आपको ठीक है हर एक आंसर जो है फ्रेश पेज पे आपको लिखना होगा और आंसर लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो आंसर राइटिंग आपकी एकदम प्रिसाइज और कोहरेंट हो और आपको नीचे दिए गए दो सेक्शंस होंगी उसमें से एटलीस्ट दो क्वेश्चन करने हैं आपको एक सेक्शन से ठीक है और दूसरी सेक्शन से आप तीन क्वेश्चन कर सकते हो टोटल पाँच क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं आपको ठीक है तो वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा एंड डिस्कस द मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा तो ये भी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है आपके साथ प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी ये भी मैं करवाऊंगा मैं पूरी स्टेटिस्टिक्स आपको डिटेल के साथ करवा दूंगा आप हमारे साथ बनी रहें और हमारे चैनल इन डेफ्थ को सब्सक्राइब कर दें ठीक है तो वट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी है सेकेंड क्वेश्चन एनेमूरेट इट्स वेरियस मेजर्स एंड कंप्यूट द साइज ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा तो ये डेटा दिया हुआ है आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या इसका मीनिंग देखना है उसके बाद आपको मेन और मीडियन के थ्रू सॉल्व करना है ये डेटा को ठीक है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिट बाय थोराटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा तो डिटेल के साथ ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप करवाऊंगा आपके साथ ठीक है फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं स्टेट द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड कंप्यूट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय एनी मेथड यू लाइक तो ये डेटा दिया हुआ है आपको डिस्कस करना है ठीक है सबसे पहले मीनिंग और इम्पॉर्टेंस देनी है कोरिलेशन की और उसके बाद कंप्यूट करना है इस डेटा को ठीक है किसी एक मेथड कोरिलेशन के किसी एक मेथड के थ्रू ठीक है उसके बाद बी पार्ट क्या है फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ स्टैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो डिटेल के साथ इन दोनों टाइप को आपको डिटेल के साथ ये सैम्पलिंग की टाइप हैं जब मैं सैंपलिंग uh, करवाऊंगा तो वहाँ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग सिक्स क्वेश्चन है वट आर इंडेक्स नंबर यूज इमेजनरी डेटा टू प्रूव हाउ फिशर मैथड सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो ये टेस्ट भी डिटेल के साथ करवाऊंगा और इंडेक्स नंबर पूरा डिटेल के साथ करेंगे हम ठीक है सेवंथ क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज हाउ डू वी मेजर इट फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा बाई एनी मैथड यू नो ठीक है तो टाइम सीरीज को भी डिटेल के साथ करेंगी उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन एंड स्टेट द वेरियस मैथड ऑफ इंटरपोलेशन गिविंग एग्जाम्पल्स ठीक है तो ये थे आठ क्वेश्चन इनमें से आपको पांच क्वेश्चन करने हैं और दो क्वेश्चन कम से कम एक पार्ट से होने चाहिए ठीक है तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिर से आपको बता देता हूं अगर आपने हमारा चैनल इनडेप्थ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकती हो धन्यवाद थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो